नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। दो परिवार के बीच हुई खूनी संघर्ष की एक ऐसी कहानी जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। भोपाल राजधानी के ऐशबाग इलाके में हुए गोलीकांड के मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद प्रशासन ने इनके साथ क्या कुछ किया, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दो परिवारों के बीच की खूनी संघर्ष की ये तस्वीर राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके की है। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग अपने घरों में दुबक गए। मोहल्ले में चारों तरफ भगदड़ मच गई, जहां सिर्फ बंदूक की गोली की आवाज सुनाई दे रही थी। आपको बता दें, राजधानी भोपाल में बच्चों के मामूली विवाद ने दो परिवारों के बीच खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जहाँ ऐशबाग इलाके में जमकर गोलियां चली। घटना में एक बच्चे समेत पांच लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। आपको बता दें कि ऐशबाग के गली नंबर 2 में रविवार रात बच्चों का विवाद बड़ों में खूनी संघर्ष के रूप में बदल गया। इससे एक पक्ष के 3 भाइयों ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी में छर्रे लगने से 2 महिलाएं और 5 साल के बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में आरोपी अरविंद खटीक के मकान को तोड़ने की कार्रवाई की गई। आज से लगभग 2 दिन पहले बच्चे खेलने के बच्चे के ऊपर विवाद हो गया था, जिसके ऊपर पवन खटीक नामक युवक ने हमारी मामी के ऊपर हमला कर दिया था बॉटल से। इस पर हमने इसकी कंप्लेंट थाना ऐशबाग में करवाई थी, लेकिन पुलिस ने इसका छोटा सा मामला बनाकर इसको ख़त्म कर दिया था। आज फिर दोबारा उनके परिवार के हमारे मामी के परिवार के लोग आए थे मिलने उनसे, तो उन लोगों ने भीड़ देखकर ऊपर से उन लोगों ने 4-5-6 लोगों ने फायरिंग गोलियाँ चला दी, जिसके अंदर पवन खटीक, पुरुषोत्तम खटीक, अर्जुन खटीक, लक्ष्मण खटीक, अरविंद खटीक, ये 5-6 लोग और इनके पूरे घर की महिलाओं तक ने ऊपर से गोलियां चलाई हैं, फायरिंग करी है। कितने लोग लगभग इसमें गोलियां लगी हैं और कितने लोग घायल हुए? 5-6 लोगों को इसके अंदर घायल हुए हैं, जिसके अंदर एक छोटा बच्चा है 4 साल का, दो लड़के हैं। क्या शादी वगैरह चल रही थी? नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं था, केवल एक छोटे से बच्चे का पारिवारिक बच्चे खेल रहे थे, उस पर तो विवाद पे इन्हें तबड़ा बवाल मचा दिया। ये लोग सभी लोग भोपाल के हैं या बाहर? ये सब भोपाल के हैं। नहीं, जिनको चोटें आई हैं वो ब्यावरा के हैं, वो केवल देखने आए थे उनकी बहन को। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे इनके ऊपर। ये अपराधी हैं, इनके ऊपर पहले भी कई अपराध दर्ज हैं। इनके कहने लाइसेंस की बंदूक, बगैर लाइसेंस की बंदूक है, इनके कहने बेपरा बंदूक है, ये अपराधी हैं, इनके ऊपर इससे पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि 2 दिन पहले का ये विवाद है। 2 बच्चों में मारपीट होने के बाद 2 परिवारों में झगड़ा शुरू हो गया। महिला एक परिवार के घर गई थी, तभी दोनों परिवार आपस में भिड़ गए। इसमें परिवार के कई सदस्यों को चोटें आई हैं। इसके बाद ऐशबाग थाने में काउंटर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। दोनों परिवारों में समझौता भी हो गया था। एक परिवार में ब्यावरा से कुछ रिश्तेदार आए थे, जिसके बाद वो दोबारा उस परिवार से बातचीत करने गए और इस पर विवाद गर्मा गया। इसमें एक पक्ष की तरफ से छर्रे वाली लाइसेंसी बंदूक से फायर हुआ। कुछ लोग छर्रे लगने से घायल हो गए। इस घटना में कुल 8 लोग घायल हुए हैं। इस मामले में 6 आरोपी, 1 महिला और 5 पुरुष आरोपी हैं, जिनको पकड़ने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। ऐशबाग इलाके में गोली चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई। 3 मंजिला मकान के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया, बाकी हिस्सा भी तोड़ा जाएगा। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। एडिशनल DCP रीति कीर्ति सोमवंशी की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। करीब दोपहर 12 बजे एडिशनल सोमवंशी भारी पुलिस बल के साथ ऐशबाग पहुंचे और कार्रवाई शुरू हुई। इस कार्रवाई में SDM समील खान समेत निगम के इंजीनियर मौके पर पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक कार्रवाई चली। इस दौरान आरोपी अरविंद खटीक के 3 मंजिला इमारत में बने अवैध शेड को तोड़ दिया गया। एडिशनल DCP सोमवंशी ने बताया कि बिना परमिशन के ये मकान बनाया गया है। फिलहाल ऊपरी हिस्सा ढहाया गया है, बाद में पूरा मकान तोड़ने की कार्रवाई होगी। एक ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए ऐसे लोगों के अतिक्रमण के जो मकान हैं उनको हम लोग तोड़ेंगे, उसी की कड़ी में आज ये एक अरविंद डागर
अरविंद खटिक, इनका जो अवैध हिस्सा है मकान का उसको तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम के रेवेन्यू के और पुलिस विभाग की तरफ से की गई है। जी, बहुत छोटा सा हिस्सा तोड़ा गया है सर, और बताया जा रहा था कि पूरा फ्लोर जो है अवैध है। जी मैम, इसमें इशू ये आ रहा है कि जो भी मशीनें लगा सकते हैं हम यहाँ पर या मैनुअल वर्क कर सकते हैं उतने में जितना तोड़ा जा सकता था वो तोड़ा जा चुका है। आगे की कार्रवाई धीरे धीरे की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मशीन ले जाने में दिक्कत हो रही है, तो उसको नगर निगम के कर्मचारी अपने हिसाब से देख के कर लेंगे। तो बाद में पूरा जो आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। जी, जो परिवार है ना इस मकान में? हाँ, इनके परिवार के कुछ लोग इससे नीचे के हिस्सों में रह रहे हैं, ऊपर का हिस्सा जो था उसको तोड़ दिया गया। तीन मंजिला मकान की छत पर अवैध तरीके से शीट का निर्माण किया गया था। हालांकि निगम के अफसर पूरे मकान को ही अवैध बता रहे हैं, क्योंकि इसकी परमिशन नगर निगम से नहीं ली गई, इसलिए शेष मकान को खाली कराकर तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान घर की महिलाएं रोती हुई नजर आई और कार्रवाई ना करने की गुहार लगाती रहीं। पुलिस ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना क्षेत्र के लाइसेंसी बंदूकों के वेरिफिकेशन 1 से 2 दिन में शुरू कर इनके लाइसेंस की वैधता की जांच की जाएगी। साथ ही यदि लाइसेंस लेने वाले किसी व्यक्ति या उसके परिवार में किसी पर भी आपराधिक मामला दर्ज पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। सरेआम हुई इस फायरिंग से भोपाल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। अलर्ट विद समुंदर में समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।